नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत सातवें लेसन जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के भाग एक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग लेसन 5 को समाप्त किए हैं, उसके जस्ट पास लेसन 6 आना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में लेसन 6 को यहाँ आपको नहीं पढ़ना है इस वर्ष। तो हम लोग लेसन 5 के बाद जो है लेसन 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम में कटौती से संबंधित एक जानकारी और आपको दे दें भूगोल खंड के अंतर्गत के लेसन 2 और लेसन 3 लेसन 2 और 3 से जो है वह बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन या प्रश्न नहीं आएंगे। उस लेसन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में वह मानचित्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे? मानचित्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए उन दोनों लेसनों को आप लोग मानचित्र कार्य को ध्यान में रख करके अध्ययन करें। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 7 को। देखिए लेसन 7 का नाम जो है वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में आइए जानते हैं। लेसन 7 के अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें परिवहन, यातायात और संचार। परिवहन, यातायात और संचार सेवाओं के बारे में। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। आइए सबसे पहले जाना जाए कि परिवहन किसे कहते हैं, यातायात किसे कहते हैं और संचार सेवाएं किसे कहते हैं। तो देखिए वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को, वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को परिवहन कहा जाता है, या वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना परिवहन कहलाता है, जबकि व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यातायात कहलाता है। यद्यपि इन दोनों के जो साधन होते हैं जिनसे व्यक्तियों का या वस्तुओं का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है वो दोनों साधन एक ही होते हैं, लेकिन जब वह साधन वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं तब वो परिवहन के साधन बन जाते हैं, और जब व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं तब वो यातायात के साधन बन जाते हैं। तीसरा जो है संचार सेवाएं। संचार सेवाएं किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं? तो विचारों के आदान प्रदान को, सूचनाओं, विचारों, जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। तो जिनके माध्यम से विचारों का, सूचनाओं का, जानकारियों का आदान प्रदान होता है ऐसे साधनों को संचार सेवाएं या संचार के साधन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इनको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है, जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? देखिए इनके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित होती है,
या हमारी अर्थव्यवस्था इन्हीं के माध्यम से ही संचालित होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक आदि जो क्रियाएं होती हैं वो सब इन्हीं के माध्यम से संचालित होती हैं या इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे अगर हम प्राथमिक क्षेत्र को देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आदि कार्य में जो इनपुट्स हैं उनको खेतों तक लाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक लाने के लिए, तथा फिर प्राथमिक कार्यों से जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसको विभिन्न स्थानों तक, शहरों, मंडियों आदि तक पहुँचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही कंपनियों फैक्ट्रियों में जो कच्चा माल यूज किया जा रहा है उसको कंपनियों फैक्ट्रियों तक पहुँचाने के लिए, कंपनियों फैक्ट्रियों से तैयार माल को मार्केट तक, बाजार तक पहुँचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि परिवहन का साधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं का और अन्य चीज़ों का अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होगा तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी। यहाँ पर हम जो है परिवहन और यातायात को एक मान करके परिवहन के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम परिवहन और यातायात को एक मानते हुए अध्ययन करेंगे। तो परिवहन और यातायात के साधन जो है आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण है कि नहीं है? भाई हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वकील आदि ऐसे बहुत से श्रमिक आदि लोगों को देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के वर्क करते हैं। अगर यातायात के साधन ना हो तो क्या लोग एक भाग से दूसरे भाग में जाकर के कार्य कर पाएंगे? नहीं। तो इस दृष्टि से परिवहन और यातायात के साधन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और संचार सेवाओं के माध्यम से क्या होता है कि किसी देश में कौन सी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कौन से कच्चे माल उपलब्ध है, कहां पर वस्तु की मांग है, इन सब के बारे में जानकारी हमको संचार सेवाओं के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगर जानकारी नहीं होगी तो व्यापार, बिजनेस, ये सब चीज़ें, आयात निर्यात, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो संचार सेवाएं भी अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। इनकी इसी महत्ता को देखते हुए, संचार एवं परिवहन के साधनों की महत्ता को देखते हुए ही इनको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है, लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन साफ नेशनल इकोनॉमी। तो हम सबसे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? परिवहन के बारे में। और ध्यान रहे कि हम परिवहन और यातायात को एक मान करके अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि परिवहन और यातायात में बस बहुत थोड़ा सा अंतर है, वो भी वस्तुओं और व्यक्तियों का। जब वस्तुओं का स्थानांतरण होता है तो परिवहन कहलाता है, और व्यक्तियों का जब स्थानांतरण होता है तब यातायात कहलाता है। तो परिवहन किसे कहते हैं? व्यक्तियों एवं वस्तुओं के संयुक्त रूप से, क्योंकि हम यातायात और परिवहन को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तियों एवं वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को परिवहन कहा जाता है। जिनसे यह स्थानांतरण होता है उनको परिवहन के साधन कहा जाता है। अब परिवहन के साधनों का वर्गीकरण या परिवहन के साधनों के प्रकार, परिवहन परिवहन के साधनों का वर्गीकरण परिवहन के साधनों को जहां पर वो चलते हैं, परिवहन के साधनों को जहां पर वो चलते हैं, इसके आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? तीन भागों में आप कर सकते हैं परिवहन के साधन। परिवहन के साधन
इनको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक स्थल परिवहन, नंबर दो जल परिवहन, नंबर तीन वायु परिवहन, साधनों के आधार पर, क्योंकि स्थल पर भी जो चलने वाले साधन हैं उनके मार्ग के आधार पर इनको भी कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे सड़क परिवहन, जो साधन सड़क पर चलते हैं सड़क परिवहन, या नीचे लिख देते हैं सड़क परिवहन, इसके बाद में रेल परिवहन और तीसरा जो है वह है पाइपलाइन परिवहन, पाइप लाइन तो स्थल परिवहन को तीन भागों में बांटा जा सकता है। जल परिवहन को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। जल परिवहन कौन होते हैं? ऐसे साधन जो जल पर संचालित होते हैं। देखिए जल परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में, आंतरिक जल परिवहन आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। वायु परिवहन को भी दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। कौन कौन? देखिए एक अंतर्देशीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, सार्वजनिक और निजी, या निजी और सार्वजनिक। तो ये तो रहा ग्राफ के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से परिवहन के साधनों का वर्गीकरण। अब हम एक एक करके इन परिवहन के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्थल परिवहन। सबसे पहले क्या है? स्थल परिवहन। स्थल परिवहन किसे कहा जाता है? जो परिवहन स्थल के माध्यम से होता है, स्थल पर से होकर होता है, ऐसे परिवहन को स्थल परिवहन कहा जाता है। और स्थल परिवहन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सड़क मार्ग या सड़क परिवहन या सड़क पर चलने वाले परिवहन के साधन। देखिए सड़क मार्ग, सड़क परिवहन में सड़क जो है काफी महत्वपूर्ण माध्यम है। सड़क परिवहन का सड़क काफी महत्वपूर्ण माध्यम है। सड़कों को
प्रशासनिक आधार पर, सड़कों को प्रशासनिक आधार पर निम्नलिखित छह भागों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित छह भागों में बांटा जा सकता है। छह भागों में बांटा जा सकता है या हेडिंग कर सकते हैं आप सड़क के प्रकार या सड़कों का वर्गीकरण। तो स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन काफी महत्वपूर्ण स्रोत है, काफी महत्वपूर्ण माध्यम है। जो परिवहन ट्रक बस आदि के माध्यम से, मोटर गाड़ी आदि के माध्यम से होता है उसे सड़क परिवहन कहा जाता है। और सड़क परिवहन में सड़कों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। प्रशासनिक आधार पर सड़क को निम्नलिखित छह भागों में बांटा जा सकता है। भारत में जो सड़कें हैं उनके रख रखाव निर्माण आदि के आधार पर, यानी कि प्रशासनिक आधार पर उस पर नियंत्रण किसका है, कौन उसकी देख रेख करता है, कौन क्या करता है, इस सब के आधार पर भारत की सड़कों को मुख्य रूप से छह भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, जिसमें सबसे पहला जो है वह है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।